नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेडार। पेश है आपके लिए आज का न्यूज बुलेटिन। इस बुलेटिन में बताएंगे आपको आज की हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी 2025 को होगी रिलीज। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी एमपी कंगना रनौत की विवादित फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट आखिरकार तय हो गई है। कंगना, जो कि इस फिल्म में भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं, उन्होंने सोमवार को एक नए पोस्टर के साथ ये घोषणा की। इमरजेंसी अब 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म, जो देश में 1975 से 1977 तक के आपातकालीन काल को दर्शाती है, लंबे समय से विवादों में है। सिख समुदाय के विरोध के कारण इसे सेंसर बोर्ड की स्वीकृति मिलने में भी देरी हुई। ये फिल्म कंगना के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म है। आज की दूसरी खबर की बात करें तो संजौली मस्जिद केस की अगली सुनवाई 22 नवंबर को। संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को गिराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जिला अदालत ने सोमवार को सुनवाई की। अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने एमसी आयुक्त के फैसले के विरुद्ध 5 अक्टूबर को दायर अपील पर बहस की। अदालत ने वक्फ बोर्ड को शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। इस बीच 6 नवंबर को कोर्ट ने अवैध निर्माण को तोड़ने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अगली खबर की बात करें तो हर्ष महाजन बोले, संपर्क में हैं कई कांग्रेस विधायक, चाहे तो कभी भी गिरा सकते हैं सरकार। बीजेपी सांसद हर्ष महाजन ने दावा किया है कि वे सुक्खू सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं, क्योंकि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। हर्ष महाजन वही बीजेपी नेता हैं जिनके कारण फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल सरकार गिरते गिरते बची थी और 6 कांग्रेस विधायक बागी हो गए थे। महाजन ने सियासी बयान देकर राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा दी है। बता दें कि हर्ष महाजन ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। रुक करें अगली खबर की ओर तो नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार एक नई करुणामूलक रोजगार नीति पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य सेवा के दौरान परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदकों का विभाग। बात करेंगे आज की आखिरी खबर की। हिमाचल में 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने निचले मैदानी इलाकों, मंडी, बिलासपुर में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं 22 नवंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई है। रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर रविवार को बर्फ के फाहे गिरे। लाहौल स्पीति और कुल्लू में तापमान में कमी दर्ज की गई।